और गाइस आप भी खरीदना इसको, आप भी इसको खरीदना, समझ गए? हाय गाइस, ओ माय गॉड, इतना अच्छा सांता। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, मतलब एक छोटी मोटी सी अनबॉक्सिंग है। तो हमने खरीदा था वन प्लस की तरफ से आने वाला वन प्लस बर्ड्स जेट 2 करके एक आता है, तो वो हमने परचेज किया था फ्लिपकार्ट से। ये मुझे 4200 रुपए का तकरीबन मिल गया। वैसे इसकी जो कॉस्ट है वो अराउंड 5000 रुपीज है, जो आपको नॉर्मली फ्लिपकार्ट पर देखने के लिए मिल जाता है। तो मैंने इसको परचेज कर लिया है, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में आ चुका है वन प्लस बर्ड्स जेट 2। और मैं यहाँ पर देखता हूँ, बताते हैं, ये फेमस है साउंड क्वालिटी के लिए। ऐसा कहा जाता है कि भाई इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। तो ये बच्चे भी दोनों बैठे हुए हैं, तो हमने सोचा लाओ देखते हैं इसको ओपन करके, और मैं यहाँ पर दिखा दूँ इसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जब इसको हम ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके के इसके अंदर ये जो बर्ड्स हैं आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। यहाँ पर माइक वगैरह दे रखे हैं काफी सारे, यानी कि 3 माइक का यहाँ पर पेयर बताया गया है। तो 3 माइक है जो नॉइज कैंसिलेशन काफी अच्छा करते हैं। ANC मोड आपको मिल जाता है, जो कानों में बहुत ज्यादा जो बाहरी नॉइज है उसको बिल्कुल अलग कर देता है। और ट्रांसपेरेंसी मोड मिल जाता है, जो बाहर की आवाज को बहुत अच्छे तरीके से कवर करता है हमारे कानों में। जैसे कि हम जब सॉन्ग सुन रहे हो हल्की आवाज पर, तो बाहर से जो भी व्यक्ति हमें पुकार रहा है तो उसका साउंड भी हम प्रॉपर सुन सकते हैं। तो काफी अच्छा है ये। और बाकी यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ये रहे इसके सब बॉक्स देख सकते हैं। तो दोस्तों हम बच्चों से भी इनका जो साउंड है वो टेस्ट कराएंगे, देखते हैं बच्चे साउंड को, यानी कि जो म्यूजिक सुनने के बाद जो साउंड क्वालिटी है वो पास करते हैं या फेल करते हैं। क्यों साउंड क्वालिटी सुनोगे इसकी? क्यों गुड़िया, तुम सुनोगे? तो चलो इनके कान में हम लगाते हैं और देखते हैं इसकी साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है। ओके, अच्छा दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूंगा। इसको ना मैंने काफी बार यूज किया, और यूज करने के बाद इसमें जो बर्ड्स मिलते हैं, मैं आपको दिखा दूं, इसमें दोस्तों ये जो बर्ड्स है ना, ये मेरे कान में ना बहुत ज्यादा पेन कर देते हैं। मुझे नहीं लगता, हो सकता है सबके कान की बनावट सबकी अलग अलग होती है, तो मेरे जो कान बहुत कंफर्टेबल, ये जितने भी रिव्यू मैंने देखे इसके जो बर्ड्स है कानों में बहुत कंफर्टेबल तरीके से आ जाते हैं, लेकिन मेरे कान में ना ये बहुत ज्यादा पेन कर रहे थे, दर्द करते ऊपर की तरफ, ऊपर की जो साइड होती है वहां पर बहुत ज्यादा मेरे को पेन हो रहा था। तो मैंने सोचा शायद हो सकता है नए नए मैंने लगाए हैं तो उस वजह से इसमें हो रहा हो पेन कानों में। तो दोस्तों काफी ज्यादा मेरे कानों में पेन हो रहा था, और फिर मैंने जो है अपने पुराने जो रियलमी बर्ड्स 2 करके एक मेरे नेक बैंड था उसके जो बर्ड्स हैं आप देख सकते हैं, ये बर्ड्स मैं इसमें लगाऊंगा। और लगाने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के ये बर्ड्स दिखते हैं। तो ये जो रियलमी नेक बैंड के ये जो बर्ड्स थे, यानी कि जो ये रबड़ जो थी, ईयर टिप जो जिसे बोलते हैं, तो ये जब मैंने लगाए थे तो काफी ज्यादा ये सहूलियत मुझे दे रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा कंफर्टेबल मेरे कानों में फिट हो गए थे। फिर मुझे ऐसे कोई पेन वगैरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो अगर आपके भी पेन हो रहा है तो प्लीज नेक बैंड के जो बड्स थोड़ा बड़े होते हैं उसको आप यूज करके देखिए, काफी ज्यादा आपके कानों में कंफर्टेबल फील होंगे। भाई मेरे तो हो चुके हैं। आपके अगर बर्ड्स पेन कर रहे हैं आपके कान में तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। तो इन बच्चों को हम इसका साउंड सुनाते हैं और देखते हैं कि कंफर्टेबिलिटी के मामले में कैसा ये बर्ड्स यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। देखने के लिए तैयार हूँ भाई। हाँ भाई, तो बच्चों देखने के लिए तैयार है? तो दोस्तों ये वाला नेक बैंड था, ये रियलमी की तरफ से मैंने जोड़ तोड़ करके ये जो ब्रेक हो रहा था तो मैंने चिपका लिया था टैप वगैरह से। तो इसके जो ईयर टिप है ना, ये जो लटके हुए हैं, इसी के मैंने ईयर टिप निकाल कर अपने वन प्लस बर्ड जेट 2 में लगा लिए थे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के देखने के लिए मिलते हैं आपको लगाने के बाद ईयर टिप्स को, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भाई मेरे को फील हो रहे थे। और इनको आप साउंड सुनाते हैं, देखते हैं बच्चे पास करते हैं या फेल करते हैं। ANC मोड काफी तगड़ा है और इसका जो चार्जिंग है काफी अच्छा है, यानी कि 38 घंटे का ये जो केस है आराम से 38 घंटे आपको दे देता है चार्जिंग। और जो इसके बर्ड्स हैं 10 मिनट चार्ज करने पर आराम से अराउंड 4 से 5 घंटे ऐसा बताया गया है। बाकी हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, साउंड क्वालिटी बताते हैं कि हमें इसकी साउंड क्वालिटी कैसी लगी, और सोना को हमारी साउंड क्वालिटी कैसी लगी, गुड़िया को साउंड क्वालिटी कैसी लगी। ओके, girls with the nails done.
गाइस, ओह माय गॉड, इतना अच्छा सांता साउंड। अरे यार इतना सुंदर, और आप भी सुनना साउंड सुंदर। इस साउंड को आप भी, ये मेरे मामा ने खरीदा था और इसको खरीदने ना गाइस। अरे इसका साउंड क्वालिटी कैसा है ये बताओ। पूरे मस्त कान बच गए यार मेरे तो। बढ़िया लगा साउंड क्वालिटी यार। गाइस आप भी खरीदना इसको, क्योंकि ये बर्ड्स वन प्लस बर्ड जेट टू इतना अच्छा। आप ये नाम सुन ला, कभी भूल मत जाना, इसको आप खरीद लेना। साउंड क्वालिटी कैसा लगा आपको? इतनी मस्त मस्त मेरे कान बच गए। आ जाओ सोना, अब तुम इधर जाओ। अरे भाई चलो इधर आ जाओ। मस्ती बहुत बहुत, आप भी इसको खरीदना, समझ गए? हाँ, तो साउंड क्वालिटी कैसी लगी आपको? काफी बढ़िया, इसकी साउंड क्वालिटी इतनी बढ़िया कि कान में तूफान आ जाते हैं। अब क्या ही बताओ इसकी साउंड क्वालिटी। बेस कैसी थी इसकी? बेस तो मस्त, आई थिंक ये आपको परचेज करनी चाहिए, इसका बहुत बढ़िया है ये। मैं तो इसको 10 में से 10 देना चाहूंगा, काफी बढ़िया है। लेकिन बस इसमें एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि अगर आपने ये वाले बर्ड यूज करे, आपके अगर फिटे तो ठीक है, अगर मान लो आपके ढीले पड़ रहे हैं ये रबर टिप, तो आपका निकल सकता है। आप मान लो इसको लगा के लगाते आप जॉगिंग कर रहे हो, तो ये निकल सकते हैं आपके कान से। अच्छा, आपको थोड़ा ढीले लगे इसको है? हाँ। लूज लगे आपके कानों में? ये तो मेरी फिट है, अगर मान लो आपके कानों में अगर, तो इसमें और दो पेयर आते हैं ना, ये वाले आप देख सकते हैं, ये जो दो पेयर हैं इसमें और एक्स्ट्रा टिप आते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं यहाँ से। बाकी ओवरऑल बेस कैसा है इसका? बेस काफी बढ़िया है। ट्रबल, हाई, मिड्स, लोज, ये कैसे हैं? यस बढ़िया। अच्छा, कोई कॉन्स, कोई ऐसा खराबी, कोई ऐसे माइनस पॉइंट जो बेकार लगा हो? अब हम टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों अब मैं इसका साउंड टेस्ट करके आपको बताता हूँ कैसा इसका साउंड है। इन दोनों ने तो टेस्ट कर लिया और इन्होंने अपने ओपिनियन भी दे दिए किस तरीके का इसका साउंड क्वालिटी है। दोनों को अच्छा लगा इसका म्यूजिक और साउंड क्वालिटी, बेस वगैरह सब इन दोनों को अच्छा लगा। ट्रबल, हाई, स्लो सब बेस्ट लगे। अब देखते हैं मेरा ओपिनियन क्या है इन बर्ड्स के बारे में। ओके, तो दोस्तों मैंने इसका साउंड क्वालिटी सुना, भाई मुझे तो सही लगा। इसका बेस थोड़ा सा हाई है और इसमें जो ट्रबल है वो आपको जो डिफॉल्ट आते हैं ना, वो डिफॉल्ट वाले जो है थोड़ा आपको कम लगेंगे, मतलब कि जो बेस है वहां पर कम लगेगा। अगर आप बेस लवर हो तो भाई मेरे अकॉर्डिंग ओके ओके है बेस, लेकिन आप जब नीचे एक ऑप्शन दे रखा होता है वो उसको आप अपने अकॉर्डिंग जब सेट कर लोगे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसको मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फेवरेट नाम का एक ऑप्शन दे दिया था, तो अपने अकॉर्डिंग मैंने सेट कर लिया था। तो आप अपना सेट करके ट्रेबल, बेस, लो, मिड्स, हाई अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, बहुत तगड़ा साउंड आएगा उस समय। और बाकी जो डिफॉल्ट वाला है उसमें से थोड़ा सा जो ट्रेबल है वो दब जाता है, मिड और जो हाई है वो थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं। बाकी आप अपना बिल्कुल भाई ये बिंदास खरीद सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग वहां पर ट्रेबल और जो बेस वगैरह है वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। बहुत तगड़ा एक नंबर साउंड है भाई, मैंने तो यूज कर लिया। दोस्तों इसमें एक माइनस पॉइंट मुझे यही लगा, इसकी जो आवाज है ना, इसकी जो आवाज है भाई, जब साउंड हाई होगा ना तो आवाज थोड़ा सा लीकेज होती है ईयर के बाहर, यानी कि सामने बैठा हुआ या पास में बैठा हुआ जो पर्सन होगा उसको थोड़ी थोड़ी सुनाई देगी, है ना, वो डिस्टर्ब नहीं होगा, बस थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सुनाई देगी अगर आप हाई वॉल्यूम पर सुनते हो। और दूसरी बात, हाई वॉल्यूम पर अगर आप सुनते हो तो इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी कि आवाज फट रही है या बेस जो है गड़बड़ा जा रहा है, नहीं। हाई पर भी अगर आप हाई वॉल्यूम करके सुनते हो तो भाई एक नंबर क्वालिटी आएगी, एक नंबर। भाई मेरा जो एक्सपीरियंस है वही मैं दे रहा हूं, मुझे कोई ऐसा तो नहीं कि स्पॉन्सरशिप दे रखी हो या फिर मैंने पेड रिव्यू में कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद अपने पैसों से ये खरीदा था, बिल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 4200 रुपए के अराउंड मैंने इसको परचेज कर लिया था ऑफर वॉफर लगाकर, और ये 5000 रुपए का आता है। बाकी इसकी साउंड क्वालिटी एक नंबर है, आप खरीद सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ये छोटी सी अनबॉक्सिंग की वीडियो ये मैंने अभी बनाई थी, तो मैंने सोचा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं ईयरबड्स के रिगार्डिंग। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बाय।